सर आ जरा मॉडल है आ मयूरी 1000 मॉडल है एमएस दे वीडियो देख के आंदा हां उसके बाद की डिस्काउंट दोगे एक 28 दा लेके चलो एक 28 तक आप दे दांगे एक 25 कहता दिखा लो भी ताकि कस्टमर जरा आवे नंबर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ जी इस गड्डी पता नहीं लगता भी किधरों आंदा किधर निकलना है जिन्नी छेती कॉल करोगे उन्नी छेती तुहानू गड्डी मिल जाऊगा मॉडल मोटरसाइकिल सभी चीजों में ज्यादा करके लोग पसंद कर रहे हैं ई रिक्शा मतलब कि यार बैटरी वाली चीज ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ई रिक्शा अगर कोई भी लेना चाहता है तो मेरे बहुत लोगों से सुन रहा हूं कि लुधियाना में सबसे ज्यादा सेल करने वाला शोरूम जो है डीसी इलेक्ट्रिक के व्हीकल एंड बब्बा ऑटोमोबाइल्स वो है तो मैं इसी चीज का रिव्यू करने आया कि क्या ये चीज एक्चुअल में सच है या फिर कहीं कभी अफवाह है जो कि यह कह रहे हैं कि हाँ बस इधर से हवा आई और इधर से चली गई तो इसी चीज का सच जानने आए देखते हैं कितना का ये सच है तो यार ये हमारे दिशा सर यही शोरूम को पूरी तरीके से मेंटेन करते हैं सही कहा सर मैंने तो सर आज मैं जानना चाहूंगी आपका नाम बहुत ही ज्यादा माना जा रहा है लुधियाना में मैंने सुना कि लुधियाना के आप किंग बने हुए इस टाइम ई रिक्शा व्हीकल्स में सच है सर बिल्कुल सर हेलो सर ठीक है सर बढ़िया बढ़िया सर नेम हमारा सर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमने हर बंदे को रोजगार देना रोजगार देना सर हम ये बात अपनी बैठ के करते सर आराम से थोड़ा टॉपिक को लंबा खींचते हैं क्योंकि हमने इतना ही नहीं पूछना कि किंग माने जा रहे हैं हमने पूरा स्टेप समझना है सर इसी से हम बात करते हैं डीसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बब्बा ऑटोमोबाइल्स के ओनर से तो सर मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि आपको मार्केट में काम करते कितना टाइम हो गया सर जब से ई रिक्शा आई है 5-6 साल से हम इस मार्केट में जब से ई रिक्शा आया है मार्केट में तब से आप ई रिक्शा में चले गए हो ई व्हीकल्स में तो सर ऐसा आपको खास क्या लगा कि आप इसी में चले गए और इतने सारे बिजनेस है आप वो कर सकते थे सर पहले मैं बिजनेस करता ही था इस बार ये नया ट्रेंड आया है इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है इसलिए हम ई रिक्शा को चॉइस किया मतलब कि ट्रेंड के हिसाब से आपने चला चलो एक चीज तो काफी अच्छी की जो आगे का सोच के चला सर ठीक है सर मैं आपसे एक चीज और पूछूंगा कि आप सिर्फ ई रिक्शा ही रख रहे हैं या फिर कुछ और भी वैरायटीज हैं सर ई रिक्शा चल रहे हैं हमारे पास टू व्हीलर भी है बैटरी है उसके पार्ट्स हैं और कुछ है जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब अगर कोई कस्टमर आपके पास आए तो आप उसे अपने शोरूम से खाली आप नहीं जाने दोगे नहीं नहीं सर ठीक है सर मतलब सब कुछ एक छत के नीचे प्रोवाइड हो जाएगा बिल्कुल सही सर ओके ठीक है तो सर मैं एक चीज देख रहा था इन सबका क्या चीज है सर आरसी के नंबर प्लेट तो दिख रहा है सर मुझे ये नंबर प्लेट है जी रिक्शा की और लुधियाना के ऑल ओवर पंजाब में बहुत कम डीलर है जो इसमें आप आरसी और इंश्योरेंस नंबर प्लेट दे रहे हैं जी उसमें टॉप पे हमारा नंबर है आप देख सकते हो ये हमारी जी सभी पड़ी है ना जी आरसी है तो आरसी है इसमें देखो आप ये लिखिए आप ये अमृत मालवा हमारा बैंक का फाइनेंसर ये देखो डीसी एनर्जी ये गवर्नमेंट से हमारी प्रूव्ड है दिखा रहा सर मुझे देखिए आप जैसे कि आप देख सकते हो डीसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आरसी पे भी लिखा हुआ है मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से ये सर्टिफाइड है ठीक है ओके तो सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा ये आरसी और नंबर प्लेट हाँ जी गाड़ी लेने कितने दिन बाद कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है सर इंश्योरेंस तो हमें दूसरे दिन दे देते हैं ओके जो आरसी है महीना 20 दिन 20 दिन में हम उसको
कस्टमर को दे देते हैं। एक महीने के अंदर मतलब प्रोवाइड हो जाती है कस्टमर को। अरे एक बात और बता दूं, आपको बहुत जरूरी बात बताना चाहता था। ईस्टमैन की बैटरी सर्विस सेंटर हमारे पास है। ओके। और जो किंग फोर्ड बैटरी है उसका सर्विस सेंटर हमारे पास है, हम कस्टमर को परेशान नहीं होने देते। सर मैं आपसे लास्ट एक क्वेश्चन पूछूंगा, लुधियाना में किंग माने जा रहे हो आप, थैंक यू, इसका क्या मतलब है? थैंक यू सर, थैंक यू। किंग माने का मतलब सर्विस। ओके। आप सर्विस दोगे तो भी किंग बनोगे। नहीं, लुधियाना में सबसे ज्यादा नेम जो चल रहा है डीसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बब्बा ऑटोमोबाइल्स, सबसे ज्यादा लुधियाना में नाम चल रहा है सर। इसका कारण पूछ रहा है, खास ये वीडियो इसी के लिए मैं बनाने आया था कि इसका मुझे जानना है। आपको बता देता हूँ, आप कस्टमर के राय लीजिए। जी बिल्कुल। किंग तो हम परमात्मा की मेहर है या महामाई की कृपा है जी, इसीलिए हम आप किंग गिने जाते हैं। लेकिन जो बात मेन है ना बिजनेस की, आप सर्विस दो कस्टमर को, सर्विस दो, रीजनेबल रेट लगाओ और आप कस्टमर अपने आप आपको कस्टमर किंग बनाता है। जी ये बात बिल्कुल ठीक है सर आपकी, अगर कस्टमर खुश है ना तो वो तो ही ऑनर खुश है। ठीक है सर, क्योंकि कस्टमर के ही, अगर कस्टमर खुश रहेगा तो ही आपकी गाड़ी चलेगी, वरना गाड़ी का ब्रेक लग जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सर। अब मुझे सर ये बताइए कि मुझे सेल मैनेजर के बारे में कौन बताएगा सर? सर मेरे दिलशाद सर मैनेजमेंट है सेल। ओके, दिलशाद सर मैनेजर के बारे में बताएंगे। चलो इसी सर में मिलते हैं दिलशाद सर, चलिए सर में मिलते हैं दिलशाद सर से, जो कि हमें सेल मैनेजर के बारे में बताएंगे। हेलो दिलशाद सर। और सर ठीक हो? सर मुझे आपके दो मिनट चाहिए थे, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी चाहती थी। ठीक है सर, थैंक यू। तो सर मैंने जैसे सर से सुना कि सेल मैनेजर को आप संभाल रहे हो। हाँ जी सर। अपना क्या क्या स्टॉक रखा है सर आपने? हमारे पास मल्टीपल ब्रांड है। ओके। स्टॉक की अगर मैं बात करूँ, मेरे पास एट अ टाइम 40 से 50 व्हीकल खड़े होते हैं। ओके। ठीक है, ई रिक्शे में, और 20 गाड़ी हम लोग टू व्हीलर में रखते हैं। हम लोग मल्टीपल ब्रांड में काम कर रहे हैं। टू व्हीलर भी आपके? हाँ, टू व्हीलर में भी हम लोग काम कर रहे हैं और ई रिक्शे में भी काम कर रहे हैं। ई रिक्शे के पास अपने पास वैरायटी आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा जी, प्लस टू व्हीलर की आपको वैरायटी हमारे पास बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा। ओके सर, और क्या रखने? ई रिक्शा में सर मैं आपको ब्रांड बता सकता हूँ कि जो ई रिक्शा हमारे पास है वो लेड एसिड में भी है, लिथियम में भी है। उसके बाद उसके जो फीचर है, जो सर्विस है, उसके बारे में आपको डिटेल दे सकता हूँ। ओके। हाँ जी सर। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कोई कस्टमर आपसे लेने आता है ई रिक्शा, तो सबसे पहले हम फिनांस से बात करते हैं, फिनांस वगैरह कैसे देखते हैं सर? मेरे पास मिनिमम 15,000 रुपए लेके आप गाड़ी लेके जा सकते हो। 15,000 डाउन पेमेंट? 15,000 डाउन पेमेंट। ठीक है। मेरा जो सर ई रिक्शा शुरू हो जाता है 1,30,000 एक्सशोरूम प्राइस से हम लोग ई रिक्शा प्रोवाइड करते हैं। 1,30,000 एक्सशोरूम प्राइस है। ठीक है, विदाउट आरसी विदाउट इंश्योरेंस। ओके, अगर हम लोग आरसी और इंश्योरेंस लेते हैं तो कितना पड़ जाएगा सर? आज सर 10 से 12,000 का खर्चा है, मैक्सिमम खर्चा जो 15,000 जाता है आरसी और इंश्योरेंस का। ओके, आरसी और इंश्योरेंस अगर लेते हो तो 10 से 15,000 रुपए अबव करना है तो 130 तक पड़ेगा आपको। ठीक है सर। नहीं सर, 1,30,000 एक्सशोरूम प्राइस है। हाँ जी। प्लस 15,000 आरसी इंश्योरेंस का खर्चा इंक्लूड कर सकते हैं। 1,45,000 ऑन रोड की इसकी कॉस्टिंग आता है। ओके, 1,45,000। हाँ जी सर। ठीक है जी। तो सर मैं एक चीज और पूछूंगा, डाउन पेमेंट आपने 15,000 बता दी मेरे। ठीक है सर, मंथली ईएमआई क्या होती है? मंथली ईएमआई सर, सर मुझे कम से कम बताना जी। 7,000-6,000 से ईएमआई स्टार्ट हो जाता है। वैसे अभी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं 15 महीने, 12 महीने, 18 महीने, अब हम लोग 24 महीने का भी ईएमआई कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। 24 महीने? हाँ जी। उसमें क्या आता है, कस्टमर का जो ईएमआई आता है वो 5,000 से लेकर 7,000 के बीच बीच में रहता है। तो बंदा इजी मनी इंस्टॉलमेंट का जो है प्रॉपर फायदा ले सकता है और उसको आराम से अपने लाइफ में ग्रोथ में लेके आ सकता है। ठीक है जी। जैसे कि आप सभी देख लीजिए कि हमारा जो फाइनेंस का चक्कर होता है, पर फाइनेंस में काफी सारी झंझटें देखने को मिलती है। ठीक है सर, जैसे आपको पता है सर कुछ ऐसे डीलर्स बैठे हैं जो कि अपने जो कस्टमर को होता है घुमा फिरा देते हैं सर। नहीं सर, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सर एक चीज ही कहते हैं, कोई भी कस्टमर अगर कोई गाड़ी ले रहा है तो उन्हें सबसे पहले देखना चाहिए हमें कौन सा बंदा, कौन सा डीलर सर्विस प्रोवाइड करेगा। जी बिल्कुल। रिक्शा हर बंदा दे देता है लेकिन सर्विस कोई भी बंदा प्रोवाइड नहीं करता जी। उसमें क्या इशू आता है कि आपकी गाड़ी नहीं चली, बाद में कहता सर आप यहाँ पे ठीक करा लो, वहाँ पे ठीक करा लो, ऐसा सर कुछ भी नहीं होता जी। बिल्कुल, मेरा कहने का यही मतलब था कि कुछ डीलर ऐसे होते हैं कि हमें अपनी चीज तो भेज देते हैं, बाद में सर्विस देने के टाइम कहते हैं यार कुछ देर वेट कर लो, यहाँ से करवा लो, वहां से करवा लो। सर आपके पास कुछ ऐसा होता हो? हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो भी है सर, हमारे पास ऑथराइज सर्विस सेंटर। ई रिक्शे में इशू सर कहाँ आता है? बैटरी पे आता है जी। बिल्कुल, हमारे पास सर ईस्टमैन और किंगफोर्ड दो ब्रांड है। ठीक है, दोनों का ऑथराइज सर्विस सेंटर हमारे पास है। ओके, फिर तो आगे बात करने का कोई नहीं, क्योंकि सर्विस सेंटर जब इनके पास है बैटरीज का। प्लस
किसी भी कस्टमर को भागने की जरूरत नहीं है अगर आपकी गाड़ी कहीं भी खराब हो गई जी। हम आरएस करके देते हैं, रोड साइड असिस्टेंट। ओके, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपने हमारे नंबर पे कॉल करना जी। बंदा जाएगा गाड़ी आपकी ठीक करके, एजेंसी को एजेंसी छोड़ देगा, घर पे कहोगे घर पे छोड़ देगा। ओके सर, आरएस की सर्विस हम लोग उनको प्रोवाइड करते ही करते हैं। ओके, एक चीज से साथ में और पूछना चाहूंगा आपसे, हर एक की ख्वाहिश होती है ये जानना कि अगर हमने आपके पास से व्हीकल नहीं लिया, कहीं और से लिया है, तो क्या उस चीज की हमें सर्विस आपके पास से मिलेगी सर? सर हमारे पास देखिए ऑफ रोड कस्टमर ही बहुत होते हैं जिन्होंने हमसे गाड़ी परचेज नहीं किया जी। हम लोग सेल भी दे रहे हैं, हम लोग सर्विस भी दे रहे हैं, तो कोई बंदा आके हमसे सर्विस भी ले सकता है। लेकिन जो सर गाड़ियों में जो ज्यादातर इशू आता है कि आपने किसी नॉन ब्रांड की गाड़ी जो हमारे पास नहीं है उसमें उनको टीसी का इशू पड़ता है, उनको आरसी इंश्योरेंस का सर्विस नहीं मिलता। अब बंदा कहे सर आप हमारी आरसी इंश्योरेंस बना दो, तो सर हम लोग नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि हमारे पास टीसी होता है, एलॉय लेटर होता है, जिसके बाद हम लोग आरसी अप्लाई कर सकते हैं जी। और मैं जिस ब्रांड को बेच रहा हूँ उसी का मेरे पास ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, मैं उसी को प्रमोट कर सकता हूँ, उसी का आरसी बनवा सकता हूँ। ओके, अब मैं सर आपसे एक चीज और पूछूंगा, छोटी सी है। लुधियाना में आपका नेम बहुत ज्यादा चल रहा है सर, कि डीसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बाबा आर्टिलर्स किंग, इसका सर थोड़ा सा बताइए मुझे। एक कहावत है कि जो बंदा ऊपर होता है ना, वो कहता है यार ये है ना बंदा आज स्टार बन चुका है जी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये नहीं देखता कि इस बंदे ने मेहनत कितना किया। आज सर अगर मार्केट में फर्स्ट नंबर पर मैं स्टैंड कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने अपनी सर्विस को, अपनी टीम को, अपने स्टाफ को प्रॉपर हैंडल किया है, हर कस्टमर तक अपनी सर्विस पहुंचाया, ताकि कोई भी कस्टमर हमसे नपीन ना रहे। कोई भी कस्टमर आए वो हैप्पी होकर जाए, हमारा ये एक टारगेट है कि अपने सेल सर्विस फाइनेंस को इतना पहुंचा दो कि कोई बंदा कहेगा अगर मैंने ई रिक्शा लेना तो हमने डीसी इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड बाबा ऑटोमोबाइल से ही लेना। बस यही नाम होना चाहिए हर एक के जवान पे कि बाबा ऑटोमोबाइल से डीसी इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेना है। उसके बाद सर ई रिक्शे में कस्टमर जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उनका फाइनेंस कौन कर रहा है। हाँ। आजकल मार्केट में काफी ऐसे डीलर है जो कि प्राइवेट फाइनेंस यानी खुद के पैसे को इन्वेस्ट करके ईएमआई बना के दे देते हैं जी। लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि ये हमारा बैंक से फाइनेंस है या हमारा बंदे ने प्राइवेट फाइनेंस किया। तो हमारे पास जो सर बैंक है एनबीएफसी है, एनबीएफसी का सर मतलब होता है फुल फॉर्म इसका नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज। आप देख सकते हैं हमारे पास ये फाइल है अमृत मालवा का, ठीक है सर दिखाइए सर मुझे। आप देख सकते हैं सर अमृत मालवा कैपिटल लिमिटेड, ठीक है सर नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज है जी। ठीक है, हम लोग एनबीएफसी अमृत मालवा के साथ काम कर रहे हैं जी सर। बहुत ही अच्छा इनका सर्विस है, इनके जो पेपर वर्क है वो ना के बराबर है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट है जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, दो फोटो है, दो चेक है, ऐसे करके हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। किसी बंदे के पास अकाउंट नहीं है, चेक नहीं है, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे ऑन काउंटर अपने शॉप पे अपने शोरूम पे ही अकाउंट उनका खुलवा के देते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, साथ का साथ एटीएम, साथ का साथ चेकबुक हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। सर एक चीज जैसे भी आपने मुझे बताई, जब कोई कस्टमर आपसे ई रिक्शा वगैरह खरीदता है तो आप उसे कैंसिल चेक लेते हो? हाँ जी सर। सर वो कैंसिल चेक नहीं होता, वो एक्चुअली ब्लैंक चेक होता है, वो हम नहीं लेते हैं। ओके। किसी भी बैंक में, मैं बैंक की बात कर रहा हूँ सर, हाँ आप टू व्हीलर ले लो, आप कार ले लो, तो वहाँ पे सर ब्लैंक चेक ही चलता है जी। बिल्कुल, चार चेक जो है कंपलसरी है, वो बैंक में ही डिपॉजिट होता है, ठीक है। उसके बाद बंदे कहते हैं सर हमें चेक वापस चाहिए। सर जो चेक होता है वो गवर्नमेंट के पास नहीं, बैंक के पास होता है, और बैंक अपना हमेशा एनओसी देता है। एनओसी का जो सर फुल फॉर्म है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जी। हमें एक चीज सर ध्यान में रखना चाहिए कि हमने अगर लोन कराया है तो उसका एनओसी हमारे पास होना चाहिए। जब तक आपके पास एनओसी नहीं है, बैंक का आप देनदार हो, इसलिए लोन आपका क्लोज हो गया, आपने एनओसी का खास करके ध्यान रखना है, ठीक है जी। एक चीज और पूछना चाहूंगा सर, चलिए ये तो हमारी होगी सेल की बात, ठीक है सर। काफी केसेस में देखा जाता है सर कि बंदा किस्तों पे करवा लेता है, मतलब फिर काफी केसेस में ये देखा जाता है कि हम ईएमआई करवा लेते हैं, दो मंथ, चार मंथ, छह मंथ ईएमआई भरते हैं, उसके बाद हमसे भरी नहीं जाती है सर, उस केस में आप क्या करते हो सर? उस केस में देखो सर बेसिक हमारा कोई रोल नहीं होता, लेकिन हम तब भी सर बैंक से फाइट करते हैं कस्टमर के लिए कि सर ये हमारा जो कस्टमर है बहुत ही अच्छा कस्टमर है, इन्होंने हमसे दो चार गाड़ी ली है और इनका रेगुलर जो किस्त टाइम से है। देखो सर कोई भी बंदा ना किस्त से बाउंस नहीं करता है, कोई भी तोड़ता नहीं है, उसके कोई पर्सनल इशू हो सकते हैं, ठीक है, उनके घर में कोई इशू हो सकता है जिसके वजह से बंदे ने वर्क नहीं किया, या गाड़ी में कोई नुकसान हो सकता है जैसे बैटरी कवर ही नहीं चलता जी। तो हमारा जो रोल होता है कि हमने बैंक को ये कहते हैं सर आप इस गाड़ी को रिकवर ना करिए, इसको एक बार और मौका देके देखिए, ये बंदा अच्छे से ईएमआई देगा। ओके चलिए, ये तो आपने दे दिया 60।